आज की रेसिपी खास क्यों है वो आगे वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। ये सबसे ही टेस्टी और सबसे ही ज़्यादा चटपटी स्नैक्स है जो आप घर पे ही इजिली बनाओ, और मार्केट में जाने से अच्छा है कि आप घर पे, और वो इतनी हेल्दी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और टेस्ट का तो बता ही नहीं सकते, आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पे साफ देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज काटेंगे। इसको थोड़ा बड़े बड़े काट के अलग अलग कर देना। क्या आपको भी प्याज काटते समय आंसू आते हैं? मुझे तो बहुत आता है। फिर मेरे पास शिमला मिर्च घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको भी ऐसे चार डिवाइड करके उसको काट दिए, क्योंकि मुझे थोड़े बड़े बड़े इसके पीसेस चाहिए थे। ये मैं तोड़ के इसलिए ऐसे करती हूँ ताकि वो जो इक्वल हो जाते हैं, वरना वो उठे उठे से रहते हैं शिमला मिर्च, तो वो अच्छे से नहीं लगते। फिर मेरे पास, मुझे थोड़ा सा गर्मी हो रही थी तो मुझे चढ़ रहा था गुस्सा, तो मैंने सोचा लाओ अपना गुस्सा किस पे उतारूं, तो मैंने ले लिया अब थोड़े से लहसुन की कलियां और अदरक, और उसको मैंने अच्छे से कूट लिया और अपना सारा गुस्सा इसी पे निकाल दिया, और पति का भी गुस्सा इसी में निकाल दिया क्योंकि बना उन्हीं के लिए रही थी ना ये रेसिपी। तो फिर उसके बाद मेरे पास घर में दही थी, मुझे तो खैर घर के जो बनी हुई दही होती है बहुत अच्छी लगती है, तो ये थोड़ा पानी पानी सा हो गया था दही, मतलब वो ज्यादा मतलब कर्ड जो थी वो काफी टाइट नहीं थी। तो मैंने क्या करा, उसको हल्का हल्का सा पानी निकाल के इसमें से कर्ड को एक बाउल में रखा, और उसके बाद ये देखो मैं जिसे छान रही हूँ ताकि वो पानी जो है वो नीचे निकल जाए। फिर इसमें थोड़े से मसाले डाले, जैसे थोड़ा सा कहते धनिया पाउडर, रेड मिर्च, और साथ में आप काली मिर्च भी डाल सकते हो। काली मिर्च के साथ मैं एक एक चम्मच इसमें बेसन डालूंगी ताकि इसका बाइंड काफी अच्छा हो सके। आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना, मैंने थोड़ा बाद में एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया था, तो आप एक से एक चम्मच डाल देना। उसके बाद नींबू जरूर डालना ताकि इसमें जो कहते हैं लेमन का जो टेस्ट आता है ना पनीर टिक्का में, उसका तो अलग ही मतलब मजा है। एक कहते हैं ना ट्विस्ट चाहिए, तो वो नींबू से ही आता है। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फेटा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इसके ताकि लम्स ना रहे, और ये काफी थोड़ा थिक बैटर आपको बनाना है, ज्यादा लिक्विड टाइप मत बनाना वरना पनीर में वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि पनीर भी सॉफ्ट होता है। देखो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि वो काफी ज्यादा पतला है बैटर, तो मैंने इसे थिक करने के लिए इसमें तो एक चम्मच और ऐड कर दिया। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करो, क्योंकि घर पे जो ये हेल्दी स्नैक्स है, आप जो काफी डाइट वाइट को फॉलो करते हो वो इजी मतलब इसको बना सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया, उसके बड़े बड़े पीसेस काट लिए थे मैंने, और फिर ये देखो इसे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए मुझे रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया। वैसे मैं थोड़ी देसी जुगाड़ है, यू नो चम्मच पे अगर लग जाए तो उसे हटा के भी उसमें रखना होता है। तो क्या आप भी अब ये अपने घर में करते हैं? सिर्फ मैं ही हूँ, फिलहाल सभी करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दूंगी। 30 मिनट के बाद आप एक पैन लीजिएगा, नॉनस्टिक पैन, उस पर एक चम्मच घी डालेंगे। मैंने ऑयल और कुछ ऐसा मतलब यूज़ नहीं किया, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो या तो एक चम्मच घी भी, मतलब ऑलिव ऑयल सबके घर तो नहीं होता ना नॉर्मली तरीके से, खैर ऐसी बात नहीं है सभी के घर होता है, बट कहते घी सबसे अच्छा है, घी से जो टेस्ट आता है उसका एक अलग ही मतलब फैक्ट है। तो मैंने एक चम्मच घी लिया और साथ में मैंने ये जो पीसेस थे अच्छे से मैरिनेट हो गए थे ये पनीर के पीसेस, इसको मैंने एक एक करके रखा। वैसे एक बार बताओ, आप लोग भी 4 बजे के स्नैक्स में क्या क्या खाना पसंद करते हो, मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर और आप ये भी मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ, और आप भी अपनी अपनी छोटी छोटी जो रेसिपीज होती है जो 4 बजे सबके घर में, नॉर्मल घर में तो बहुत सारे नमकीन तरह तरह के बनाए जाते हैं, खैर मैं उनकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मम्मी से पूछ कर कि वो कैसे बनते हैं। ये भी मैंने यूट्यूब से थोड़ा देख के थोड़ा सा मतलब अच्छे से इसको नोट डाउन करके रेसिपी को फिर से मैंने इसे अपने घर पे अपने इनोवेशन और डालकर इसे तैयार किया, क्योंकि मोस्टली तो इसको सेकते हैं अच्छे से। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा पैन में और इसको और घी पे लगा के देखते क्या देखते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा। पर ये काफ़ी अच्छा बन गया था नो डाउट। ये मैंने प्याज जो मैरिनेट वाले थे ये ऐड कर दिया, और शिमला मिर्च, हाँ आप अगर आपका मन है तो टमाटर हो सकता है वो भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें बेबी कॉर्न्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं बेबी कॉर्न्स जो होते हैं उनका एक चटपटा नाश्ता, आपको नाश्ता तो नहीं कह सकते चटपटा स्नैक्स है वो, आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, और बहुत मज़ा आएगा उसको आपको खाते हुए। आप मोस्टली आप जब मॉल वगैरह जाते हो तो वो जो एक
जो कॉर्न मिलता है ना बटर डाल के गरम गरम, और खाने में बहुत यम्मी लगता है। मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि वो आप घर पे इजीली बना सकते हो। उसमें उसमें तो मतलब वो 2 मिनट का काम है, जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है ना वैसे वो 2 मिनट में बन जाती है। ये देखो ये कितने अच्छे से मतलब सीख गए थे मैंने इन्हें पलटे। अब मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। वैसे तो मुझे इतनी प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करने आती, बट कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई, आफ्टर ऑल हस्बैंड को भी खिलाना है और खुद भी खाना है। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो अच्छे से इसको सजा के थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। तो मैंने एक वाइट कलर का, मेरे पास बाउल काइंड ऑफ ये प्लेट थी, तो मैंने इसमें सारे ये पनीर के पीसेस रख दिए और उसमें थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया। सेट करने के बाद जितने भी इसमें प्याज जो मैंने सॉटे किए हुए थे वो सब कुछ ऐड कर दिया। और इसके बाद देखना आपको मतलब घर पे ट्राई करो चीज़ों को, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल तो कोविड के टाइम में लोगों ने बहुत सारी डिशेस ट्राई करी थी, वही मैं उन्हें फॉलो करके अभी अभी बना रही हूँ। तो अच्छी बात है, आप भी घर में ट्राई करो, मुझे भी मज़ा आता है। पहले मुझे भी कुकिंग इतनी आती नहीं थी, बट हाँ ट्राई करते करते मुझे भी बहुत कुछ आ गया बनाने के लिए। तो ये मैंने थोड़े से प्याज इस पर ऐड कर दिए हैं, कच्चे प्याज डेकोरेशन के लिए। हाँ, इसकी दही की चटनी की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और इस वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग भी इंजॉय करो जैसे मैं अब इसे इंजॉय करने जा रही हूँ। बाय।